अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ोर न्यूज़। नवाब शाह से खबर शामिल करते हैं। नवाब शाह शहर के वस्त में 1990 तक गोल चक्रा पार्क लाइब्रेरी और टीवी हॉल था, जहां नवाब शाह के शहरी अखबारात का मुतालिया करते थे और टीवी पर पीटीवी का खबरनामा देखा करते थे। नवाब शाह शहर के वस्त में गोल चक्रा पार्क 1990 तक बहुत ही अहमियत का हामिल रहा। फिर नवाब शाह म्यूनसिपलिटी गोल चक्रा पार्क का नक्शा तब्दील करके इसके अतराफ में अंदर और बाहर दुकानें बना दी गईं और इस तरह जो फारिग लोगों के तफरी का जरिया था इसे खत्म करके कारोबारी मराकज में तब्दील कर दिया और महाना किराया वसूल करने लगे। सिंध हाई कोर्ट ने नवाब शाह इंतजामिया को गोल चक्रा पार्क की 1990 वाली पोजीशन बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक म्यूनसिपलिटी नवाब शाह ने चक्रा बाजार के दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। म्यूनसिपलिटी नवाब शाह के जानब से दुकानें खाली करने का नोटिस मिलने के बाद चक्रा बाजार के दुकानदारों ने एहतजाजी धरना शुरू कर दिया। दुकानदारों के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए म्यूनसिपलिटी नवाब शाह के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अजीम मुगल ने कहा, हम दुकानदारों की परेशानी को समझते हैं। पीपल्स पार्टी कानूनी तरीके से चक्रा बाजार के दुकानदारों के साथ है, लिहाजा कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, लिहाजा कानूनी तरीके से अपनी जदोजहद जारी रखें। रिपोर्ट कर रहे थे गुलाम नबी मलिक। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें www.zornews.tv। देखते रहें ज़ोर न्यूज़।